कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा, पूरे देश में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। 10 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, इस वक्त की बड़ी खबर। पंद्रह दिन में 7200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस, ब्लैक फंगस से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सीधे मैं अपने दर्शकों को, आपको सीधे मैं कुछ फैक्ट्स दिखाना चाह रहा हूं। आइए जरा ब्लैक फंगस को लेकर क्यों है अभी इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता, आइए मैं आपको सीधे ये फैक्ट दिखाने जा रहा हूं। म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इंफेक्शन रेयर से कॉमन हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तेजी से संक्रमण बढ़ने की वजह से कई राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में, चेंज करें इसको आशीष यहां पर, और तेजी से संक्रमण बढ़ने की वजह से कई राज्यों में महामारी इसे घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, यह बीमारी कोरोना से जूझते हेल्थ सिस्टम के लिए एक नया चैलेंज है और सिर्फ भारत में है, अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट, अस्पताल हेल्थ सेंटर पहले भी कोरोना मरीजों से भरे पड़े थे लेकिन अभी के हालात आपके सामने। नेक्स्ट, चेंज करें, एक महामारी के बीच दूसरी महामारी से मुकाबला कैसे करेंगे, और संक्रमण रेयर था इसीलिए दवाइयों का प्रोडक्शन भी बहुत कम था, यह भी एक बात है। अब दवाइयां सबको मिले, सही तरीके से मिले, यह सुनिश्चित करना होगा, यह चैलेंजेस हैं। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, हम एक और चीज में एक्सपोज हो गए हैं, और वो एक और चीज यह है कि किस तरीके से जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि आज ब्लैक फंगस हमारे सामने एक और चुनौती आ गई है, दवाइयां इसकी भी नहीं मिल रही हैं। क्या स्ट्रैटेजी हो रही है, क्या चल रहा है? और सरकार के माने तो अगले 15 दिन में तकरीबन डबल जो है दवाइयों का डोज जो है देश में उपलब्ध होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ दवाइयां अगर नहीं हैं तो जो माई लैब्स था जिसने किट बनाई थी, आपको याद होगा, अभी कोरोना का किट घर बैठे तैयार करें, उसके साथ दो चार और कंपनियां हैं, उनको सरकार ने इस बात का ठेका दिया है कि आप विदेश से भी जो है दवाइयों को आयात कर सकते हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि जिस हिसाब से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े हैं और दवाइयों का टूटा हुआ है, उसकी कमी को पूरी की जा सके। दूसरा, दवाइयों के रैशनल और जुडिशियस यूज़ को भी सरकार ने प्रमोट किया है, जिसमें कि राज्यों को ये कहा गया है कि आप देखें कि किस तरीके से ये दवाइयाँ बढ़ रही हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार और कुछ अन्य सरकारों ने किया है कि यदि किसी भी अस्पताल को ब्लैक फंगस की दवाई चाहिए तो वो राज्य सरकार को संपर्क करे। राज्य सरकार की जो मेडिकल टीम है वो तय करेगी कि इनको कितनी और किस तरीके से दवाई चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा डर लोगों में बैठ गया है, कुछ लोगों ने पहले से दवाई खरीद के रख ली, कुछ लोगों ने इसके स्टॉक करने की कोशिश की, और भी कई सारी चीज़ें, और इन सब के बीच जो केसेस तो बढ़े ही बढ़े हैं निशान। तो ऐसे में फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने दिनों तक दवाइयों की किल्लत बरकरार रहेगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में शायद ठीक हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच मौतों का सिलसिला जारी है, सरकार बेशक न मान रही हो लेकिन दिल्ली में अब तक एक दर्जन से ज़्यादा मौत हो चुकी है, ऐसा अनऑफिशियल सोर्स बता रहे हैं हमें। आप जो बता रहे हैं एक दर्जन से ज़्यादा मौत हो चुकी है, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्विक रिएक्शन सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन HOD एंड BLK हार्ट सेंटर। सर, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और ये एक फैक्ट है, आपके अस्पताल का क्या स्टेटस है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए और कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि दवाई की शॉर्टेज फिर हो गई है। देखिए निशान जी, हमारे अस्पताल में BLK मैक्स में सबसे पहले केसेस जो नोटिस हुए थे वो पिछली वाली वेव के जो क्यूमुलेटिव आफ्टर इफेक्ट केसेस थे, वो हमारे ENT सर्जन है, उन्होंने हमको दर्शाया कि हमने पिछले दिनों में करीब 5 से 7 केस किए, ये बात है जनवरी फरवरी के महीने की, और उन्होंने खासतौर से बताया कि ये टिपिकली म्यूकर माइकोसिस है जिसमें पूरा एक ग्रैंडलोमा बन जाता है साइनस के अंदर, और अगर समय से कंट्रोल ना किया हो तो वो आंख की तरफ या दिमाग की तरफ बढ़ता है, और उन्होंने उनके सैंपल्स निकाल के भी दिखाए जिसकी जांच हिस्टोपैथोलॉजी से होती है, तब ये इसकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है। तो ये केसेस 2-4 साल में पहले थे, अब जो सेकेंड वेव है तो कम से कम 20 केसेस हमारे यहाँ ऑपरेट हुए अभी तक, जिसमें ENT टीम लार्जली, आई की टीम और न्यूरोसर्जन भी इन्वॉल्व हैं। आपको ज्ञात होगा कि ये जो म्यूकर माइकोसिस है ये शरीर के 4 खास तौर से अंगों पे लगती है, और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कोविड से पहले भी म्यूकर माइकोसिस में सबसे आगे था,
और उसका कुछ कारण हो सकता है कि भारत डायबिटिक कैपिटल भी है, डायबिटीज बहुत अधिक तादाद में होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो हैं, जैसे जो पेशेंट्स कैंसर के हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हैं, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर हैं और उनको डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनको इनका ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन होने का खतरा जो है। तो ये BLK की स्थिति है और आने वाले समय में हमको, और BLK में म्यूकर माइकोसिस के अलावा और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी हमको पोस्ट कोविड देखने को आ रहे हैं, जिसमें थ्रोम्बोसिस और क्लॉटिंग वेन्स और आर्टरीज के अंदर बहुत कॉमन है। रोज ही एक दो ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। तो अब की स्थिति म्यूकर माइकोसिस की ये है और इसका टिपिकल एक ट्रायड है, जिसमें कोविड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, डायबिटीज और कोविड को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉयड का यूज, ये जो ट्रायड है, ये तीनों मिलके म्यूकर माइकोसिस को बढ़ावा देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।